बहुत कम आसानी होता है। इसी बहाने खाने को मिल गए बहुत सारे गोलगप्पे। आज मैं लेके आया फेस वॉश नया, देखो क्लीन एंड क्लियर का, तो इसको ट्राई करते हैं। सौदेश अपने मुंह को शुद्धिकरण देते हैं, तो हमारा मुंह भी पीयूष की तरह हो जाएगा, बिल्कुल गोरा गोरा इससे आई थिंक। तो चलो, मेरा नेचुरल मुंह है, इन केमिकल से नहीं। नेचुरल मुंह है गाइस, इसका नेचुरल मुंह है, कुछ नहीं लगाता मुंह में, तभी तेरी बेइज्जती होती है। वेलकम बैक टू ब्यूटी विद सौरभ जोशी आर्ट्स। तो आज हम आपको बताएंगे क्लीन एंड क्लियर से किस तरह से आप अपने मुंह को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो अभी आप मेरा मुंह देख सकते हैं कितना ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, तो मैं अभी इफेक्ट डाल दूंगा इसमें ब्लैक वाले, और उसके बाद में अभी जब मैं मुंह धोऊंगा उसके बाद देखना बिल्कुल ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा मेरे मुंह का। तो भाई सरदा अपने मुंह को शुद्ध कर रहे हैं। ओए पागल है, सैनिटाइजर लगाते हैं मुंह में। मुंह धोने से पहले अच्छे से पहले मुंह को गीला कर लेना चाहिए। पानी की बर्बाद कर रहे हैं रे। थोड़ा सा लिया मैंने, मैं इसको मुंह में बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। भूत आ गया है अपना मुंह वाइट करके, जैसे ये हाथ एक धोबी है, इनका मुंह एक कपड़ा है, ऐसे धो रहे हैं। अपने पकड़ो, मेरे को जोर का मुक्तु आया। पकड़े जब भाग जा फिर। दे दे दे। टॉयलेट भाग गया टॉयलेट। अब हो गया गाइस, देखो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन। तो इसी तरह से आप भी अपना मुंह धो सकते हैं। इसको अपने जेब में डाल लो, पीते रहना, करो सैनिटाइज। नहीं, अपने हाथ पे लगा लो, 5-5 मिनट में हाथ पे लगाते रहना, पीते रहना भाई, नहीं होगा। आज मैं मार्केट गया था पापा जी के साथ में, कुछ सामान वगैरह लाना था, मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो हम लाए गोल गप्पे, ये वाले जो कि बस तलने होते हैं और ये फूल जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे गोल गप्पे, हम ही बनाएंगे, और हम चैलेंज करते हैं कि कौन कितने खा पाएगा, देखते हैं। खा लेगा मेरे से ज़्यादा, या तो एक काम करते हैं, हाँ। ये जितने खाएगा मैं उससे डबल खाऊंगा। नहीं, क्यों? रेस करेंगे। रेस नहीं करना, कौन नहीं। कितने ज़्यादा खा पाता, हाँ, है वही। नहीं, दोनों इकट्ठे खाएंगे ना। तू छोटा है, तू कम ही खाएगा। नहीं, फिर भी चैलेंज। देखो ये सही है ना, क्योंकि मैं इससे बड़ा हूँ तो मैं डबल खा सकता हूँ, बोल ठीक है। डबल मेरे, मान ली 10 खाएगा तो मुझे 20 खाने हैं, 20 खाएगा तो मुझे 40 खाने, नहीं तो खाएगा 40 नहीं, ऐसा करते हैं, अगर मान लो ये 10 खाएगा तो मुझे 15 खाने, उसका आधा खाने हैं, उसके मतलब उतने तो खाने ही हैं, उसके आधे और खाने हैं, ठीक है। नहीं, ये तो आसान हो गया, 20 के 40 करो तब तो दम है, या फिर कोई ज्यादा खा। चलो ठीक है, मेरे को डबल खाने हैं। तो पीयूष कह रहा है कि डबल नहीं खाने, मैं खा लूंगा आपसे ज्यादा, तो देखते हैं कितने ज्यादा खा पाएगा। तो हम रेस करें, ज्यादा खा जाओगे। पहले बना तो ले, बनाते तो सबसे है? पहले हम आलू को उबालते हैं और पानी पापा जी बनाएंगे, पानी मस्त बनाते हैं पापा जी। तो चलो करते हैं हम आज की कार्रवाई शुरू। आलू में जाओ। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। कुकिंग चैनल बन गया मेरा। बड़े में इतने सारे, जिसमें चावल पकाए थे उसमें ही बनाओ क्या? हाँ, इतने बड़े कुकर में फिर क्या हुआ? आलू सीटी नहीं आती उसमें। तू आलू तो ला, इसको कट कट मत कर, चुप, उसमें सीटी नहीं आती, तभी इससे बनाएंगे। गाइस इसको सब कुछ पता है हमारे घर में, किस कुकर में सीटी आती है, किस कुकर में। देखो हमारे घर में मतलब छोटे छोटे बच्चों को ये पता है, मतलब कितनी प्राउड की बात है ना कि इसको ये पता है कि किस कुकर में सीटी आती है, किस कुकर में सीटी नहीं आती। वाह, तो आलू तो ला ले, हवा पकाएगा क्या इसमें? हवा पकाते चलो। ओए हवा पकाते है। आलू कहाँ है? आलू कहाँ है? आलू वहाँ है। भाग क्यों रहा था फिर? यहीं पे आलू लेने जा रहा था, वहाँ आलू तो यहाँ है, मैं वहाँ ही जा रहा था। ये इतना बड़ा आलू आपके जेब में आलू भारक नीचे हूँ। वो ऐसे सब्जियों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। कितने काफी हैं? 3 4 मेरे साइड कर लिया, 4 आलू बनाएंगे। नल चलाओ भैया, रुको, पहले आलू डालेंगे, आलू धुल भी जाएंगे। पानी बचा, पूरे डूबने चाहिए ना, रख दे वहां पे। अब क्या, अब ऐसे करके नहीं, इसमें पकाते हैं, इसमें तो वो पकाएंगे यार। पीछे आप इतने तेज क्यों हो, इतने फास्ट क्यों हो आप? मतलब हर काम में क्या? बेचारी को डर लग रहा है, मम्मी जी गुस्सा करेगी।
दिमाग पहले गर्म कर दी कढ़ाई। नहीं कही बिस्तर में मत गिरा दियो तू। मम्मी जी 50 गोलगप्पे बनाने हैं 50। तो पीयूष इज अ वेरी सिंसियर गाय, इसने मम्मी जी से पूछा कि कितना तेल लेना है, तो ये बात मुझे पीयूष की काफी अच्छी लगी। ज्यादा कम हो गया तो अभी हम टेस्ट कर लूंगा। ये क्या था? वो डूब गया। उंगली डाल के देख चल जाएगा पता। कैमरा डाल के देखो, कैमरा पक गया तो सही है। अच्छा कैमरे की बात की। कैमरा पक जाएगा फिर वीडियो कैसे बनेगी? कब पका हुआ कैमरे से? कैमरा खाने का चैलेंज करेंगे। कैमरा खाएंगे मौज बनाएंगे। उसी तेल ना मुंह में भी लग सकता है। बस सही है, सही है। आप बस अपना इस पे भरोसा रखो। आप दूर खड़े हो जाओ। मैं एक्साइटमेंट कर रहा हूँ। चलो नंबर वन। आर यू एक्साइटेड? वो नीचे रह गया। और डाल, और डाल। तेल गरम करना चाहिए था, तेल गरम ही नहीं हुआ। वो बेचारा वो फूल गया। रुक जा रुक जा, अभी नहीं, दबा उसको, दबा, पकने चाहिए ना। वो फूल गया। पहला गोलगप्पा फूल गया गाइस। ओह माय गॉड, इतना अभी इतनी जल्दी नहीं हुआ। वो नहीं डाल उसको, जल्दी जल्दी क्यों निकाल रहा है? अब सुन, तीन चार एक साथ डाल। तो कैसे कंट्रोल करूं एक साथ? अरे हो जाएंगे। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती भैया। रुक जा, अभी क्यों निकाल रहा है? नहीं निकालने पड़ेंगे मेरे भाई। ये जला क्यों रही हो इनको? मम्मी जी आप उठे क्यों? आप सोए थे। जलाओ मत कहो, इतने की थोड़ी डालते हैं उसमें। ये कह नहीं रहे, मैं दो दो एक साथ डाल रहा हूं, चार पांच अपने आप में डाल दे रहे हैं। देख सारे जला दिए। हां ये जला दिए। मतलब पीयूष सही कर रहा था, दो डाल बस। मेरी ही बेइज्जती हो गई। इतनी गर्मी हो रही है यार मियां। पंखा चला, पंखा हो रहा है। अरे पंखा भी है इधर, नीचे से नीचे से। ले मेरे को यही नहीं बता कि पंखा है हमारे यहां। जाओ आप सो जाओ, सॉरी आपको तकलीफ देने के लिए। ए पलट ना गाइस, इसके पैर नहीं पहुंचते, देखो चौकी लगा रखी है नीचे। कुकर में सीटी आ चुकी है तो आलू पक गए होंगे शायद। सो गाइस, हमने इतने कुछ गोलगप्पे बना लिए हैं जो कि अराउंड 50 से तो ज्यादा ही होंगे। तो चलो अभी हम चैलेंज करेंगे। उससे पहले हम पानी बनवाते हैं पापा जी से, और आलू तो हो गए हैं तो कट कर लेंगे, उसमें नमक वगैरह डाल लेंगे और देखते हैं कौन जीतता है, पीयूष जोशी आर्ट्स या सौरभ जोशी आर्ट्स। तो गाइस पीयूष जोशी आज छिल रहा है आलू। मैं औषधि बना रहा हूं आपके। कौन सी औषधि? ये देखो। ओए पुदीना, इसमें पुदीना। आज हम अम्मा जी के लिए नया स्पेक्स लाए। देखो अम्मा जी इधर देखो, ये देखो कैसा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है थोड़ा बहुत। अम्मा जी गोलगप्पे खाओगे? हमने गोलगप्पे बनाए हैं। कितने खाओगे? दो चार खाओगे। सो गाइस मैंने काउंट कर लिया है, ये टोटल 50 हैं। तो अभी हम खाएंगे, देखेंगे कौन ज़्यादा खा पाता है। ऑब्वियसली मैं ही खा पाऊंगा, वो तो है क्योंकि छोटा बच्चा है तो बेचारा। बट चलो फिर भी बोल रहा था तो चैलेंज कर लेते, देखते हैं कितने खा पाता है। ये देखना का बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा कि ये कितने खा पाता है। सो पापा जी बना रहे हमारे लिए पानी, यहाँ पे हैं गोलगप्पे, आलू, मसाले वगैरह सब कुछ। तो अभी हम चैलेंज चालू करेंगे। अब मम्मी जी बैठे हैं, दर्शक हमारे साहिल जोशी आर्ट्स हैं, अम्मा जोशी आर्ट्स हैं। मम्मी जी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बताओ? मैं तो दूसरा। ये कह रहा है मैं 25 खाऊंगा, और नहीं खाए तो फिर तेरी बेइज्जती होगी। खा तो 25। ये 10 तो नहीं खा पाया। 10 खा तो, हां देख ले, 10 खा लूंगा। सो अभी हमने गोलगप्पे खाने के लिए सेटअप बना लिया। देखो कितना मस्त डाइनिंग टेबल है हमारा। तो चलो पापा जी हमको देते रहेंगे, हम खाते रहेंगे और गिनते रहना। बहुत कमाता नहीं हूं तो कुर्सी ला। इसी बहाने खाने को मिल गए बहुत सारे गोलगप्पे। सर्दा वाला चीज का मेरा कटोरी में पांच भी नहीं खाया। तो पहला गोलगप्पा जो कि पीयूष ने खाया है, थोड़ा ऊपर हो यार। कहां से बाथरूम से और दे दे यार, समझ नहीं आती इसकी बात। छोटा पड़ रहा था, चौकी लग मंगाई फिर आराम से बैठ जा। कैसे खा रहा है उसके थोड़े लास्ट क्या बस अच्छी से अच्छे खाया ये। कितने खाए? 10। पीयूष ने खाए सिर्फ 10। तो मैं ही जीत गया हूँ।
मैं अभी 10 और खा सकता हूँ। तो अब बचे हुए सारे फैमिली वाले खाएंगे, मम्मी, साहिल, अम्मा, पापा। सो गाइस देखो हमने इसके अंदर डाला है प्याज और आलू। इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही डाल के ना इतना टेस्टी लगता है। जिस तरह से हमने बनाया ना उस तरह से आप भी बना सकते हो लॉकडाउन में, क्योंकि बाहर तो मिल नहीं रहे। तुम बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। नमस्कार। और टिकटॉक क्वीन। तो गाइस गुंजन और भी आ गए हैं, अब ये भी मजे लेंगे हमारे गोलगप्पों के। थोड़े से बच्चे थे, मम्मी जी अभी थोड़े बहुत और बना रहे हैं। भूख कर लोग। ओए हट से, बच गया। ये देखो ये हुई ना बात। और अग्रिम में क्या हाल चाल है? गोलगप्पे खाओगा? क्या था क्या था? कौन खावा है? रोटी खा कर आया। गेमिंग किसी चाल है? बढ़िया। आज सभी के पेट में ना गोलगप्पे भरे हुए हैं। मतलब एक तो खाए होते हैं, एक भरे होते हैं ना, तो भरे हुए हैं सबके पेट में। अबे यहाँ तो बहुत लोग हैं। चलो कूदो। अभी सारे प्यास से तड़प रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे थे बहुत सारे, तो यहाँ पानी नहीं मिल रहा, तो अभी हम पानी की खोज में निकल चुके हैं। खाली पड़ी है बिल्कुल ही। तो हमारी सिटी में ना एक भी केस नहीं थे, तो इसलिए खतरा नहीं है, बिकॉज कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है ना, ना ही किसी और शहर से अटैच्ड है, सारे खेती खेत हैं चारों तरफ, इसलिए हमारे यहाँ पे खुल गया लॉकडाउन। जो मेरा एमआई बैंड है ना, इसमें दिखाता है कितने तुमने कदम चले, तो पूरे 7,000 हो गए मेरे। किलोमीटर में भी दिखाता, देखता हूँ, पूरे अराउंड 3 किलोमीटर चला है। तो आज हम खो गए हैं गाइस, पता नहीं कौन सी गलियों में निकल गए हैं। और अब मेरे पैरों में भी दर्द होना शुरू हो गया है। ये क्या है? चलो फाइनली हमारी सही गली मिली हमको, हम मंजिल के बिल्कुल ही करीब हैं, घर पहुंचने वाले हैं। रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला हमको। प्यास लग रही है जबरदस्त। चलो पानी पी। अंदर जाके बस एक एक करके पानी पीना, पहले हाथ धोना अच्छे से, सैनिटाइज करना, उसके बाद पानी पीना। अरे आराम से धो यार। हे गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 10:18 और अभी मेरे ना हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा तेज। बट एक बात अच्छी बात है कि मैंने एडिटिंग कैच जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लिया है, तो हाँ वो काफ़ी बढ़िया, अब कल व्लॉग आ जाएगा। तो हाँ, और मेरे ना मैंने गोलगप्पे खाए ना तो मुंह छिल गया ऊपर से पूरा, मतलब मुंह में अब गोलगप्पे का ही टेस्ट आ रहा है, ज़्यादा खा लिया तो हाँ। और आज थक भी गया काफ़ी, तो अब सो जाऊँगा मैं। एडिटिंग का काम कम्प्लीट हो गया, अब व्लॉग सुबह सुबह आ जाएगा। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।